देश के कुछ क्षेत्रों में बढ़ रहे इस्लामिक आतंकवाद पर लगाम लगाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर बिहट एवं बजरंग दल प्रयाग महानगर के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में प्रदर्शन किया और इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। विहिप ने राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने ज्ञापन के माध्यम से देश में चल रहे सभी मदरसों को अविलंब बंद करने, आतंकवादी और कट्टरवादी विचारधारा में इस्लामिक संगठनों के प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए, राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हिंदू समाज के जान एवं माल की सुरक्षा के तहत उपाय किए जाएं। विहिप के कार्यकर्ता गुरुवार सुबह विहिप कार्यालय केशर भवन में एकत्रित होकर सुभाष चौराहे पर पहुंचे, जहां इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन करने के बाद मौजूद प्रशासनिक अधिकारी को देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। ये राजस्थान में उदयपुर की घटना के विरोध में अपने अभी कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग थे, इन्होंने एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा था। अभी ज्ञापन दिया है और उनका ज्ञापन एडीएम सिटी साहब द्वारा ले लिया गया है और ये लोग अपने कार्यालय में जो केशर भवन में स्थित है वहाँ जाकर के अपनी श्रद्धांजलि सभा और मीटिंग रखेंगे और वो उस करने के लिए लोग अंदर गए हैं। यहाँ पर शांति रही, पुलिस के प्रबंध किया गया था लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है, यातायात सामान चलता रहा और शांति व्यवस्था बनी रही। सर, 10 जून को अटाला में हिंसा हुई थी, कल जुमे की नमाज फिर से है, हालांकि 2 जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो गई है, कल शांतिपूर्ण जुमे की नमाज है, उसके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? देखिए, कल भी शांतिपूर्वक ही होगा जुमे की नमाज, उसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएँ भी की गई है, सतर्कता है बरती जा रही है और सभी बिंदुओं पर निगाह रखा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी रहेगा, नमाज सकुशल होगी और शांतिपूर्वक होगी। उक्त जानकारी देते हुए विहिप के प्रचार प्रमुख अश्वनी मिश्रा ने बताया कि ज्ञापन देते समय पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह एवं ज्ञापन के लिए नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ उपस्थित रहे।